अभय चौटाला हमारे साथ मौजूद हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 7 महीने की लंबी कवायद को लेकर अभय चौटाला निकले हैं। एक एक गांव, एक एक आदमी तक पहुंचने की कोशिश है और पूरी तरह से ये बताने की कोशिश है कि किस तरह से सरकार फेल है और किस तरह से इनेलो ने लोगों के लिए काम किए हैं। यात्रा का 9वां दिन आज और इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो इस यात्रा को देख रहे हैं और किस तरह का रेस्पॉन्स इसका मिल रहा है। सर, रेस्पॉन्स किस तरीके का मिल रहा है यात्रा का? यात्रा में लगातार लोग जो जुड़ते जा रहे हैं, अब तक हजारों लोग मुझे मिले और हर व्यक्ति आज सरकार से दुखी है, परेशान है, क्योंकि जब से बीजेपी जेजेपी की सरकार बनी है या उससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी, केवल कर्जा लेने के सिवाय कोई काम नहीं किया। आज हरियाणा के लोगों के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, 1,85,000 करोड़ का बजट है। आपके इस होडल शहर के अंदर कहीं कोई छोटा मोटा विकास नजर नहीं आता। सड़कें सारी टूटी हुई है, स्कूल हॉस्पिटल उनमें कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं आपका टीचर नहीं है। मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ देखी इस यात्रा के दौरान, मैंने भाषण नहीं दिए, इस यात्रा के दौरान मैं लोगों से बैठ करके बातचीत करके आया हूँ। जैसे यहाँ जब गिल साहब बैठे, यहाँ के सारे लोकल, इनसे भी आज बातचीत ही कर रहा था कि क्या कुछ होता है होटल में आपके यहाँ। गाँव में लोगों से जब मैं मिला, बात करी, तो 2-3 समस्याएं बहुत बड़ी हैं। पीने का पानी नहीं है। अगर पीने का पानी सरकार मुहैया नहीं करा सकती तो फिर लोग उनके ऊपर कैसे भरोसा करेंगे। जितने भी गांव में, कम से कम 100 के करीब गांव में जाकर के आया, एक गांव के अंदर भी किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ पीने का पानी है। रात को मेरा लास्ट गांव सोन था, बड़ा गांव है, वहाँ पे स्कूल है प्लस टू का, टीचर नहीं है। वहाँ गांव में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। पीने का पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। जब पीने का पानी नहीं है तो सिंचाई का पानी ऑटोमेटिक नहीं है। जो सड़कें चौटाला साहब के टाइम में बन गई वो आज टूट गई सारी, उन पे कहीं इन्होंने कोई छोटा मोटा कारीकुट का भी नहीं लगाया। तो लोग फिर दुखी होंगे कि नहीं होंगे? और उल्टा फिर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, महंगाई बढ़ गई। अभी ताजा गैस का सिलेंडर 50 रुपये बढ़ाया, होली पे तोहफा दिया है लोगों को सरकार ने, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। उसके साथ साथ कानून व्यवस्था चौपट हो गई। यहाँ पे विशेष रूप से जो ये आपका इलाका है, जो मेवात का इलाका है, इसमें एक गोरक्षक के नाम की टीम खड़ी कर रखी है सरकार ने, जो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। एक लड़का है मोनू करके, उस पर 8 मर्डर केस हैं, आज तक पकड़ा नहीं गया। यहाँ हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर लोगों को सरकार बांटना भी चाहती है। लोगों का आपस में बहुत भाईचारा है, लोगों का आपस में ब्याह शादी में सामाजिक कोई कार्य होते हैं उनमें एक दूसरे के साथ बहुत करीबी रिश्ते हैं, लेकिन ये रिश्ते कैसे खत्म हो, इसके लिए लगातार सरकार में बैठे लोग प्रयास कर रहे हैं। इससे लोग दुखी हैं, इसीलिए लोग बदलाव चाहते हैं। हमारी यात्रा का मकसद यही है कि जो इन्होंने लूट मचा रखी है, जो इन्होंने लोगों के साथ भेदभाव किया है, जो हरियाणा को आज तोड़ना चाहते हैं हर चीज़ में, चाहे वो बेरोजगारी में ले लो, चाहे आप महंगाई में ले लो, चाहे कानून व्यवस्था में ले लो, आज हरियाणा का दिवालिया पिट दिया इन लोगों ने। एक सवाल मेरी तरफ से आप अभय चौटाला जी से जरूर पूछिए कि
अब चुनावी साल शुरू हो गया है, ठीक है, तो एक आखिरी साल में सरकार का भी कार्यकाल का यह आखिरी साल है, तो चुनावी साल में इनको इस यात्रा की और इतनी दुख दर्द और तकलीफों की जनता की क्यों याद आई? अभी तक चार साल क्या कर रहे थे? चुने हुए प्रतिनिधियों पर लाठीचार्ज होता है। आज हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री कहता है मैं बातचीत तो करूंगा लेकिन 9 तारीख को करूंगा। 9 तारीख तक उनको वहां बैठा करके उनकी होली खराब करना चाहते हैं, खुद तो मौज कर रहे हैं, हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, जो चुने हुए लोग हैं उनको वहां बैठा दिया। मिशन 2024 की तैयारी माना जाए इसको, ये जो यात्रा है, और कितना बड़ा फर्क आप इसका देखते हैं? परिवर्तन का मतलब क्या है? लोग दुखी है, लोग ही 2024 से पहले इस सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, और जिस किस्म के हालात हैं, जिस तरह से आज ही आपस में लड़ रहे हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। 2024 मुझे लगता नहीं कि आएगा, उससे पहले भी चुनाव हो सकते हैं। 2024 से पहले भी चुनाव हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि आज जिस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, किसी दिन अलग अलग हो सकते हैं, और जिस दिन अलग अलग हो जाएंगे उसी दिन सरकार टूट जाएगी, बचेगी कैसे? बात तो खैर शुरू से चल रही है, जब से साइड पार्टी बनी है साथ में और जब से गठबंधन हुआ है तब से बात चल रही है, लेकिन सरकार तो चल रही है। अच्छा एक चीज, हम जिस अभय चौटाला सरकार चलने का कारण सिर्फ एक ही है, ये लुटेरे हैं, स्वार्थी है, इसलिए सरकार चल रही है। अगर प्रदेश के लोगों के हितार्थी होते तो ये सरकार कभी की चली जाती, ये तो स्वार्थी लुटेरे है इसलिए सरकार चल रही है। हम जिस अभय चौटाला को जानते हैं, वो अभय चौटाला अपनी बात को दृढ़ता से रखने के लिए और अपनी बात पर टिके रहने के लिए जाने जाते हैं। आप ही एक विधायक थे जिन्होंने किसान आंदोलन के समय पर बिल कहा कि मैं विधानसभा से इस्तीफा दूंगा, और इस्तीफा आपने दिया और आप चुनकर आए। किसानों की आपको लगता है कि बात मान ली गई और जिस तरह से कानून वापस हुए और उसके बाद स्थिति किसानों के फेवर में कहीं बनी है? ना, बिल्कुल नहीं। बात तो ये हुई थी कि एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी ये डिसाइड करेगी कि किस किस फसल के ऊपर जो MSP हो और सालाना कितनी MSP बढ़े, महंगाई के हिसाब से हर चीज़ के दाम बढ़ने चाहिए। फसल के दाम तो महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ते, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान रोज़ कमज़ोर होता जा रहा है। किसान को कैसे कमज़ोर किया जाए, इसके लिए सरकार ने रोज़ नए नए तरीके निकालती है। अगर ये हालात रहे तो मुझे लगता है कि एक दिन जो खेती करने वाला है वो अपनी ज़मीन के ऊपर मजदूरी करेगा, अगर उसको सही दाम नहीं मिलेंगे। आज किसान पे कर्जा है और कर्जा भी इतना ज़्यादा है कि उस कर्ज को चुकाने में असमर्थ है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के हजारों करोड़ रुपया जो है माफ़ हो जाता है। कोई भी आदमी बड़ी इंडस्ट्री लगा करके उसको 6 यूनिट घोषित कर देता है और उसका सारा पैसा जो है वो बट्टे खाते चला जाता है। किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, उसको कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कितनी जगह उसको जाना पड़ता है उसका मुआवजा लेने के लिए। सरकार जब उसको मुआवजा नहीं देती तो आखिर अपना घर बार परिवार सब छोड़ करके रोड पे आके बैठता है, लड़ता है कि मेरा भी अधिकार है। एक तरफ तो किसान को अन्नदाता कहते हो और दूसरी तरफ सारा दिन उसको सड़क पर बैठा के रखते हो। ये सरकार किसान के बहुत खिलाफ है, ये किसान को कमज़ोर करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार किसानों के खिलाफ है, किसानों को कमज़ोर कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कर्मचारी भी विरोध में है, OPS की मांग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सरपंच विरोध में है, वो ई-टेंडरिंग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ये बड़े मुद्दे हैं हरियाणा के, इन पर क्या कहें? थोड़े दिनों में आप लोग भी इनका विरोध करोगे, कितने दिन साथ चलोगे ये समस्या बाहर है। हम तो जनता के साथ हैं, जनता जिसके साथ हम उसके साथ ना। अभी तक तो कुछ लोग सरकार के साथ भी हैं, कुछ चैनल ऐसे हैं जो केवल सरकार की बात करते हैं। नेशनल चैनल जितने भी हैं उनमें 80% ऐसे चैनल हैं जिनको इन्होंने खरीद लिया। हम तो सूर्य समाचार की बात कर रहे हैं, हम तो आपकी बात सुना रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। मैं कब कहता हूँ सूर्य समाचार बिक गया, जिस दिन बिकेगा उस दिन आपका भी बता दूंगा कि आप भी बिक गए। अभी तो आप निष्पक्ष मानते हैं। जब तक लोगों के लिए लिखोगे, अच्छी बात करोगे, हम आपकी बड़ाई करें। और जिस दिन
सरकार की बुराई में लग जाओगे। चौधरी देवीलाल एक बात बहुत खुल के कहा करते थे, वो कहते थे कि जब तक प्रेस के लोग मेरी बुराई करें, मान लो मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, और जिस दिन मेरी बुराई करने लग जाए तो यूँ समझ लो मैं भी बिक गया। उस वक़्त की पत्रकारिता में आज की पत्रकारिता में बहुत बड़ा अंतर आ गया। आज तो सोशल मीडिया ने जो है आपके जो नेशनल चैनल है उनको भी आईना दिखा दिया। ये अंतर तो हर जगह आया, नेताओं में भी आया, अफसरों में भी आया, ये अंतर तो कई जगह आईना दिखा दिया आपको। बड़े बड़े चैनल्स को सोशल मीडिया ने आईना दिखाया। दूसरों की बात नहीं करते हम, तो अपनी बात करते हैं कि हम आपकी बात सुना रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और अंतिम सवाल, ये 2024 आ गया बिल्कुल सामने, अगर आपकी सरकार बनती है, उम्मीद है वैसे बनेगी, आपको क्या लगता है? मैं तो देखिए आपसे पूछ रहा हूँ सवाल है मित्रों, जवाब आपको। सरकार तो इनसे दुखी है, कांग्रेस ही आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेसियों के पास तो फुर्सत ही नहीं है लोगों के बीच में जाने की। वो तो सारा दिन इस ख्वाब में है कि हमें तो भाजपा के खिलाफ लोग वोट डालेंगे। लोग वोट उसको डालते हैं जो लोगों के बीच में जाए, लोगों का विश्वास जीते। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव में कोई पोजीशन रही हो जाए, लेकिन लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहे, लड़ता रहे। हमारे पे लोगों का विश्वास भरोसा है 2024 में परिवर्तन आएगा, हम सरकार बनाएंगे। आमतौर पे कहा जाता है कि राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, तो क्या वैसे अभी बहुत जल्दी है ये सवाल, लेकिन क्या गठबंधन की तरफ आप बढ़ेंगे या किसी के साथ आगे आने वाले समय में किसी तरह का गठजोड़ हो सकता है, उस तरह की कोई प्लानिंग? किसके साथ गठबंधन, पहले तो ये बताओ। किसी के साथ भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी पार्टी से नहीं। किसी के साथ तो कोई तो आपके दिमाग में होगा कि किस पार्टी से हमारा गठबंधन हो। अभी तीन ही पार्टी है, बीजेपी है, जेजेपी है और कांग्रेस है, तीन ही पार्टी है, तो चौथी आपका ऑप्शन आ रहा है सामने। बीजेपी जेजेपी के तो सामने हम खड़े हैं कि नहीं है, लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, चाहे पब्लिक में जा करके लड़ने की बात है, चाहे विधानसभा में लड़ने की बात है। विधानसभा में अगर कोई सरकार की घेराबंदी करता है तो केवल हम लोग करते हैं, कोई और दूसरा नहीं है। वहाँ कांग्रेस से भी जो है सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। उदाहरण है, जब मैं शराब वाले मामले पे, घोटाले पे जब चर्चा कर रहा था, जब भूमाफिया की बात कर रहा था, जब मैं सरेआम ये कह रहा था सत्ता में बैठे लोग जो है इन्होंने भूमाफिया खड़ा कर लिया, इन्होंने अपनी कंपनी के नामों से ज़मीनें ले ली, उस वक़्त कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग तो ये करनी चाहिए थी कि मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराओ, एक विधायक आरोप लगा रहा है। वो बजाय ये मांग करने के चुटकुले सुनाने लग गया, तो इसका मतलब वो सरकार के साथ मिला हुआ है, तो फिर हम किसके साथ गठजोड़ करें? ये जो पब्लिक है ना, इसी से भी कर लो इन तीनों में से, ये तो फिर सारे के सारे लुटेरे इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? एक्चुअली कई बार कंफ्यूज हो जाती है, और वो कंफ्यूज क्या होती है कि बीजेपी आपको कांग्रेस की बी टीम बता देती है, कांग्रेस आपको बीजेपी की बी टीम बता देता है, ये जो एक दूसरे को टोपी पहनाने का जो सिलसिला है, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा। तब तो टोपी उतार दी मैंने, नहीं पहना सकता कोई अब ऐसी को टोपी, निश्चिंत रहो आप। हम लोगों के बीच में जाएंगे और अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। अगर आपकी सरकार आती है, अंतिम सवाल ये, अगर आपकी सरकार आती है तो आप पहला काम क्या करेंगे जो जनता के लिए बेहतर होगा, जो लोगों के लिए बेहतर होगा, और लोग क्यों आपको वोट देंगे? हमारा जो है सरकार बनने के बाद, चौधरी देवीलाल जब कभी भी सत्ता में आए, उन्होंने आम लोगों के लिए अच्छे कानून बनाए। आम लोगों को कैसे मदद हो सके उसके लिए उन्होंने अच्छे निर्णय लिए। चौटाला साहब ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत इस प्रदेश का बहुत बड़ा विकास किया। सरकार बनने दो, मैनिफेस्टो जो आएगा उसको आप पढ़ना, उससे आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारी सोच क्या है। मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें बता देता हूँ उससे पहले। हमारी सरकार बनने के बाद हम हर घर से एक बच्चे को रोज़गार और नौकरी देंगे। जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा, किसी कारण नौकरी नहीं ले पाएगा, हम उसको घर बैठे 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता समान भत्ता देंगे, ताकि वो बच्चा अपना काम चला सके, वो किसी और राय रास्ते पे पढ़ने की बजाय वो आगे बढ़े। ये हमारी सोच है। दूसरा, जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये शुरू करी थी, और जिस पेंशन को इन्होंने बीजेपी के लोगों ने
चाहे वो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने कैसे वो पेंशन काटी जाए इसके लिए कैप लगाए थे। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कैप लगा था कि जिसके पास 1 लाख से ज़्यादा की इनकम होगी उसको पेंशन नहीं देंगे। ये कर तो दिया उसने, लागू नहीं कर पाया। उसको डर था इस बात का कि लागू कर देगा तो लोग तेरे को साफ कर देंगे। अब इन्होंने 1,80,000 का कैप लगा दिया, हम उसको ख़त्म करेंगे। और पेंशन जो है, जब शुरू करी थी हमने 100 रुपया, तो वो आज 10,000 से भी ज़्यादा है। अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट का कर्जा माफ़ हो सकता है, उसको दिया हुआ पैसा बट्टे खाते जा सकता है, तो चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पेंशन जो है वो क्यों नहीं बढ़ सकती। आज 13,000 करोड़ रुपया पेंशन में जाता है हरियाणा का। और मुझे आप एक चीज़ बताओ, 1,85,000 करोड़ का बजट है और कहीं खर्च नहीं होता, ये लुटेरे अपनी जेब में डाल रहे हैं। उसमें से अगर 5,000-4,000 करोड़ रुपया और भी निकालना पड़े तो निकाल करके हम उसको 7,500 रुपया महीना करेंगे, ताकि ये दिक्कत खत्म हो जाए कि भी मेरे घर में रोटी का जुगाड़ नहीं है। हम उस पेंशन के माध्यम से उस घर को चलाने का काम करेंगे, ये खत्म हो जाएंगे। OPS जो है, पुरानी पेंशन स्कीम जो है, ये तो हम तो इसके पहले दिन से पक्षधर थे। आपको याद नहीं है 2004 में वाजपेयी की गवर्नमेंट में आई थी और हरियाणा एक अकेला प्रदेश था उस वक्त जिसने इसको लागू नहीं किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, हमारे ऊपर भी प्रेशर आया सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आप इसको लागू करो। चौटाला साहब ने कहा कि मैं गलत निर्णय नहीं लागू कर सकता, हमने नहीं लागू किया। और कांग्रेस ने उसको लागू किया। आज कांग्रेस ही सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे कि हम इसको पुरानी स्कीम को लागू कर देंगे। तो तुमने पहले जो है ये निर्णय लिया क्यों, जो पुरानी चल रही थी पेंशन है, आपने उसको बंद क्यों किया, क्यों उस वक़्त की जो सेंटर की गलत पॉलिसी थी उसको लागू करने का काम किया। अब रो रहे हैं, अब कह रहे हैं, अब इनको दिख रहा है कि इन कर्मचारियों के कल को आने वाले समय में वोट चाहिए इनको। लेकिन कर्मचारियों को इस बात का पता है कि ये तुम्हारे हमदर्द नहीं है, सबसे पहले फैसला लेने वाले तो यही है। ये इनेलो के महासचिव अभय चौटाला है, तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की, साफ तौर पर कह दिया कि 2024 में सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तो न केवल बेरोजगारी भत्ता मिलेगा बल्कि हर घर से रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा तमाम वादे करते हुए अभय चौटाला नजर आए हैं। अब से कुछ देर बाद यात्रा शुरू होगी और आप ये देखें कि 9वां दिन आज यात्रा का है, होटल में यात्रा पहुंच चुकी है और इस मौके पर अभय चौटाला ने सूर्य समाचार से खास बात की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार दीपक। लेकिन एक सवाल जहन में रह गया, वो ये कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी काफी जोर और काफी फोकस हरियाणा पर था। दो दो चरणों में वो यहां पर आए और अपार जन समर्थन उनको मिला, तो उनकी यात्रा में और INLD की परिवर्तन पदयात्रा में क्या फर्क है? सवाल अभी चौटाला जी से पूछ लेते हैं। चौटाला साहब, एक यात्रा और अभी देखी है लोगों ने, राहुल गांधी की यात्रा निकली, दो चरणों में यात्रा कंप्लीट हुई, हरियाणा में 8 दिन उन्होंने गुजारे, अब आपकी यात्रा शुरू हुई है, आपकी और कांग्रेस की यात्रा में क्या फर्क? उनकी अपनी कुछ सोच थी जो उन्होंने यात्रा निकाली, उस यात्रा के क्या परिणाम आए ये तो आम लोग तय करेंगे। मेरा जो मिशन है वो अलग है, उनका मिशन अलग था। वो तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे, राजनीतिक मकसद उन्होंने बताया नहीं। मैं तो जिस मिशन को लेके चला हूँ, इन भ्रष्टाचारियों को जो लुटेरे हैं इनको सत्ता से बाहर करना है, मेरा मेन मिशन ये है। तो ये साफ तौर पर सुन लिया आपने, अभय चौटाला ने जवाब दे दिया है कि दोनों यात्राओं में किस तरह से फर्क है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो इस समय सत्ता में जो लोग बैठे हैं इन्हें सत्ता से बाहर करना है और वो सरकार बनानी है जो लोगों की सुने, लोग उसको बनाए और लोगों के हित के लिए काम हो। और तमाम तरीके की बातें करते हुए नजर आए, साफ तौर पर कहा कि इस सरकार से न केवल कर्मचारी दुखी हैं, छात्र दुखी हैं, किसान दुखी हैं और तमाम लोग दुखी नजर आते हैं। और ये टाइम आ गया है, चूंकि 2024 बिल्कुल पास है, तो वो उन्हें लगता है कि टाइम
कहा गया है कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा और जब सत्ता परिवर्तन होगा तो इनेलो अपने दम पर सत्ता में आएगी। और साफ तौर पर वो एक बात कह रहे हैं कि किसके साथ गठबंधन का सवाल पूछा गया, चूंकि अब जो चल रहा है, जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, गठबंधन की राजनीति चल रही है, तो उसके बारे में जब पूछा गया तो साफ तौर पर अभी तो इनकार करते हुए नजर आए हैं। 2024 में जब नतीजे आते हैं तब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसी के साथ गठजोड़ होगा या अकेले अपने दम पर ये सत्ता में आने में कामयाब रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभय चौटाला के साथ सूर्य समाचार की बात जो है वो बिल्कुल दीपक का चुनौती बहुत बड़ी है, 1 से 46 पर पहुंचना इतना आसान नहीं है, तो वाकई में देखना होगा। लेकिन तैयारी पूरी है एनएलडी की, जिस तरह से मैनिफेस्टो भी यहां पर बता दिया है अभय चौटाला ने कि क्या क्या चीजें मैनिफेस्टो में एनएलडी के होने वाली हैं, तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है, कितनी सफलता एनएलडी को मिलती है अपनी इस परिवर्तन यात्रा के जरिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका और अभय चौटाला जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।